पंचायत स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा था, उसी पे हम लोग ये बिरौल प्रखंड का जो परडी पंचायत है और ये धगजरी गांव है, यहाँ हम लोग आए हुए थे। तो केंद्र सरकार की जो नीति है, जो चाहती है कि संविधान को ख़त्म कर दे, उस बात को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम करें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो संविधान के द्वारा हमारे दलित महादलित भाई को, जो माइनॉरिटीज़ के लोगों को आरक्षण मिला, उस आरक्षण को सरकार बार बार चाहती है कि ख़त्म कर दे और कई जगह इस चीज़ को कुचलने का काम भी कर रही है। तो हम लोग इसी चीज़ को लोगों को बताने का काम करें। इसी बात को ना बताने की ज़रूरत है, जो हमारे भाई इस बात को नहीं समझ रहे हैं, भाजपा क्या चाहती है और भाजपा क्यों हम लोगों के लिए सही नहीं है, भाजपा को क्यों केंद्र से हटाने की ज़रूरत है, इसी बात को पहुँचा रहे हैं। देखिए, भाजपा के लोग जो हैं वो इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं। आज जो देश की स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज देश को कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया है भाजपा वाला, और ये जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज महंगाई का क्या चरम सीमा को पार कर चुकी है, शिक्षा व्यवस्था चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए, ये क्या बात करेंगे। ये तो यही सब बात बनाने का और बात करने का काम करेंगे, हिंदू मुसलमान दिस दैट यही सब बात करेंगे, जात पात की बात करेंगे। इनको लगता है कि यही करके हम सरकार बनाए हैं फिर बना लेंगे, लेकिन जनता को बहुत ज़्यादा दिन तक आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं, बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। जनता भी अब हर जगह लोग जागरूक हुआ है, लोग समझ रहा है इस बात को, इनकी नीति को समझ रहा है। आप हिंदू मुसलमान में कब तक बांटेंगे? जो 5 kg अनाज है वो मोदी जी दे रहे हैं। नहीं, भाजपा क्या कर रही है, हम आपसे पूछते हैं, मोदी जी दे रहे हैं या भाजपा दे रही है? तो हम बता रहे हैं कि ये कांग्रेस की जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और हमारे ही मिनिस्टर थे, हमारे ही बिहार के रहने वाले देवेंद्र प्रसाद यादव जी, उस समय में ये 2 rupees kilo और 1 rupees kilo लागू हुआ था। आज उस सारे अनाज को बंद करके फ्री 5 kg देने का काम करें, जो हमारे ही टैक्स के पैसे से गरीब को देने का काम कर रही है, गरीब के ही पैसा को गरीब को लौटाने का काम कर रही है। ये 5 kg अनाज से क्या गरीब का भविष्य बदल रहा है? उसका बच्चा दाना को बेच के इलाज करवा लेगा अच्छे हॉस्पिटल में? देखिए, एक गरीब को एजुकेशन की ज़रूरत है, एक गरीब को स्वास्थ्य की ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत है, एक गरीब को रोड की ज़रूरत है, एक गरीब को आरक्षण की ज़रूरत है कि ताकि वो आगे बढ़ सके। ये 5 kg अनाज से बड़गलाने का जो काम कर रही है सरकार, तो जनता समझ चुकी है कि 5 kg अनाज का क्या नीति है। हम पहले ही बता चुके हैं कि अंबेडकर के विचार को बीजेपी की सरकार ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, संविधान को कुचलने की काम कर रही है, नया सांसद भवन बना रही है। तो ये जो नीति है सरकार की कि हम संविधान को बंद कर दे, मनुस्मृति लागू कर दे, तो ये हमारा जो हम लोग विपक्ष में हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम लोग जाके अपने जनता के बीच लोगों को जो नहीं समझते हैं उनको बताने का काम करें। और हम लोग जिला से लेके स्टेट से लेके जिला से लेके अनुमंडल से लेके अब हम पंचायत स्तर पर घूम के लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। अभी आपने एक नया संगठन बनाया है इंडिया, ज़रूरत क्या पड़ गई? इंडिया तो पहले ही सी था, फिर ज़रूरत क्या पड़ गई? इंडिया को जगाने की ज़रूरत है तो इसलिए ज़रूरत पड़ गई, और केंद्र सरकार से बीजेपी को उखाड़ने की ज़रूरत है इसलिए ज़रूरत पड़ गई। इंडिया तो पहले से मुकाबला कर पाएंगे आप एनडीए का? देखिए, वोट से मुकाबला होगा, यहाँ पे युद्ध थोड़े हो रहा है, वोट से मुकाबला होगा। जनता अपने वोट से जवाब देने का काम करेगी। जो आम जनता वोट देके बीजेपी को इस उम्मीद में बनाई थी कि 2 crore लोगों को रोजगार हर साल दिया जाएगा, बीजेपी वाले बोले थे या नहीं, नरेंद्र मोदी बोले थे कि नहीं बोले थे प्रधानमंत्री कि हम हर साल 2 crore युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन कितने युवाओं का रोजगार चला गया? वही सवाल तो आपने भी ना कहा था, बनता है पहले कैबिनेट में ही आपने कहा था कि हम पहले कलम से 10 lakh लोगों को देंगे, कितने को मिला अभी तक? आप ये चीज देख लीजिए कि केंद्र के कंपैरिजन में हमारे यहाँ कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, और वो लगातार चलने का काम हो रहा है, करने का काम हमारे नेता कर रहे हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार ये चीज बोलती है तो उसको शर्म होनी चाहिए केंद्र सरकार को। जहाँ 2 crore की बात थी तो आप बोलते हो पकौड़ा बेचो, जहाँ रोजगार की बात होती है तो आप बोलते हो दंगा करो, दंगा भड़का देते हैं, आप आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। आज जो मणिपुर में लड़कियों को नंगा करके, जो दलित परिवार की लड़की है उसको नंगा करके
और रोड पे घुमाने का काम किया जा रहा है और उसके साथ कितना आप बोलते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नहीं नहीं, इसलिए ना बीजेपी केंद्र से हटेगी, जब एक तरफ सारे लोग हो गए हैं और जनता भी एक तरफ हो गई है तो केंद्र से बीजेपी की सरकार को हटना तय हो गया। चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, जनता से हम यही कहेंगे कि हमारी जनता है वो बाबा भीमराव अंबेडकर के करनी और कथनी पे करने चलने का काम करे, अपने बच्चों को पढ़ाए, शिक्षित बनाए, संगठित हो और हम लोग मिलके साथ में 2024 और 25 में संघर्ष करेंगे और जो हमारे लिए बेहतर है वो जनता को राइट है चुनने का काम करे सरकार। ऐसी सरकार, झूठी सरकार, मक्कार सरकार को चुनने का काम नहीं करे जो सिर्फ लड़ाने का काम करे, बरगलाने का काम करे, झूठ बोलने का काम करे।